मौका है विसर्जन का, इसलिए हर तरफ गणपति बप्पा को विदा करने की धूम मची हुई है। और ऐसे ही गणपति बप्पा विदा हो रहे हैं अभिनेत्री पम्मी मोतन के घर से। पम्मी भी गणेश भक्त है और हर साल रखती है बप्पा को अपने घर पर, और इस साल भी उनके घर पर बप्पा पधारे हैं और अपने पूरे परिवार के साथ वो बप्पा का स्वागत सत्कार कर रही है। इसके साथ ही उनके ढेर सारे दोस्त भी आए हैं बप्पा का आशीर्वाद लेने और साथ साथ बप्पा को विदा करने। सभी ने आरती की और उसके बाद पूरे पारंपरिक अंदाज से बप्पा को विदा किया। तो मिलते हैं पम्मी मोतन के बप्पा से। इस मौके पर पम्मी के दोस्तों से भी मुलाकात करते हैं जो आए हैं पम्मी उनके परिवार के साथ साथ बप्पा के दर्शन करने। डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है और पम्मी मेरी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी फ्रेंड है, और इन्होंने बोला कि आपको बप्पा के दर्शन करने आना है, तो अगर ये नहीं बोलती फिर भी मैं बप्पा के दर्शन करने ज़रूर आती, क्योंकि बड़े सौभाग्य से बप्पा के दर्शन मिलते हैं। एक्चुअली इको फ्रेंडली बहुत पहले आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू नेचर ये बहुत अच्छा है और इस चीज़ को सब लोग फॉलोअप कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे सभी लोग जो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। खुशी के साथ इमोशंस भी होते हैं, क्योंकि आप एक अतिथि, इतने स्पेशल अतिथि को अपने घर पर लाते हैं, तो उनको विदा करते वक्त इमोशन तो आना है, बट इस बात की खुशी होती है ना कि ये 7 दिन बीत गए और अगले साल फिर से बप्पा आएंगे, तो अगर हम भेजेंगे नहीं तो आएंगे कैसे। अभी तो मेरी रिसेंटली कुछ भोजपुरी फिल्में रिलीज़ को हैं, तो बस उसकी ही तैयारी चल रही है। नहीं, मेरी दोस्त के लिए हमेशा मेरी बेस्ट विशेज रहती हैं, और मैंने इसको फर्स्ट डे से मेहनत करते हुए देखा है, आज ही उस लेवल पे पहुंची है कि भोजपुरी की टॉप 5-10 एक्ट्रेस में ही आती हैं, तो मैं तो चाहूँगी कि मेरी फ्रेंड टॉप नंबर 1 पे भी पहुँच जाए। हम चाहेंगे कि ऐसे ही प्यार से हमारा यारी दोस्ती का माहौल बना रहे और सब खुशियाँ बांटते रहें, और बप्पा हमारे सभी लोगों के विघ्न दूर करें और ढेर सारी खुशियाँ दें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। एक तरह से ना बहुत खुशी है, पीपल आर मीटिंग ईच अदर, गेट टुगेदरिंग हो रहा है। 2 साल तो मुझे ऐसा लगा वी वर इन प्रिजन, मैंने एक जेल के ना सब बैठे हुए थे, अब एक दूसरे को मिल रहे हैं, बातें हो रही है, लोग खिल रहे हैं, एडुकेशन बढ़ गया है, इको फ्रेंडली हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं आया सिर्फ मम्मी को मिलने दोस्ती के लिए, शीरिन पर मैं 6 ईयर्स, हाँ 2 साल हम नहीं मिले, मगर तुम्हें से एक कॉल दिया, दो तीसरा दिन आज तीसरी बार नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो इसी बहाने मेरे फ्रेंड मेरे एक कॉल करने पर आ गए, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैंने इंडस्ट्री में आई थिंक इतना पैसा नहीं कमाया जितना मैंने रिलेशन कमाया, और थैंक यू सो मच, इतने बड़े डायरेक्टर साहब हैं जो बालाजी के इतने शो कर चुके हैं, आपने कहानी घर घर की देखा है, कहीं किसी रोज देखा है, लेकिन ये बंदा जो हमारी इंडस्ट्री में डायरेक्टर है ना वो डाउन टू अर्थ होते हैं, हम एक्टर थोड़ा फिर भी शोबाजी करते हैं, डायरेक्टर बैक स्टेज होते हैं, बंदा इंटरव्यू देने को तैयार नहीं था। शी वेरी नाइस, जैसे वो रियल है वो वैसे बैक टू कैमरा है, बाकी एक्टर्स है ना दोगले होते हैं, दोगले, दे हैव टू फेसेस, आई एम टेलिंग यू, इन फ्रंट ऑफ कैमरा दे विल बी वेरी नाइस, बट व्हेन एनी फैन कम टू मीट देम दे आर सो रूड, वैनिटी के बाद 6-6 घंटा मैंने लोगों को मैंने फैन को वेट कर देगा, यू हैव टू बी 2 मिनट्स फॉर अ फैन, आपको कोई मिलना है कहाँ, दू जयपुर से, एनी वेयर, वो ये ऐसी नहीं, वो जैसी दिखती है जैसे फेस पे है वो ऐसी स्क्रीन पे, आई लाइक ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे दो टाइप के फेस मुझे नहीं पसंद, ये बाबा की मर्जी है, अभी हम लोग भी मैं आया भी उसी के लिए, हम लोग की कुछ प्लानिंग चल रही है, अगर भगवान ने चाहा, बापा ने चाहा, तो अगले साल पक्का कुछ ना कुछ तो छोटा महीने में कुछ ना कुछ अच्छा छोटा मोटा तो जरूर आ जाएगा। अभी हम लोग कुछ अनाउंस नहीं कर सकते, वो सब चीजें एवरीथिंग इज ऑन पेपर, यू नो कि बहुत सारी चीजें होती है, आपको पता है, ये नजर लग जाती है, काम होते हुए रुक जाते हैं, जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप इतने लोगों को जानते हो, आप इंडस्ट्री में वेल नोन प्रोड्यूसर्स को जानते हो, प्रोडक्शंस को जानते हो, मैं आर्टिस्ट को रिकमेंड करती हूँ जो मतलब एक एज ए फ्रेंड करती हूँ, लेकिन मैं अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई रीज़न होता है कि मेरे 2-3 शो ऐसे हैं जो मैं साइन करने के बाद मैं कैंसिल हो गई, वो क्या रीज़न है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपको पता अगर आप बेस्ट थे तभी आपको आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैं एक बार बताऊँ, भगवान चाहता है आपको उससे अच्छा मिले। मैंने ये चीज़ हितेन के साथ देखा है, उसको 2 शो निकालने के बाद कुटुंब मिला था, तो अगर भगवान कहीं आपको रिप्लेस कर रहा है, सोचना भगवान आपके लिए उससे अच्छी कुछ ना कुछ बेस्ट पापा आपके लिए उससे और अच्छा करें। आई नो, बिलीव इन पापा। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा।
थैंक यू सो मच। ये तो पहले बताना चाहूँगी, ये मेरा 5th गणपति है और एवरी टाइम गणपति मैं खुद लेने जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं इतना ट्रैवल कर रही थी कि मैं मुंबई नहीं थी और भैया भाभी इतना गुस्सा हो रहे थे कि तुमने अभी तक गणपति बुक नहीं किया। तो फिर मैंने उनको कहा अरे यार रुको ना, कर लूँगी बुक। तो इस बार का गणपति मेरे भाई भाभी ने बुक किया है और डेकोरेशन में मतलब ये मान के चलिए कि आप 60% हाथ मेरी भाभी का है और मतलब 40% मेरा है। एवरी ईयर पूरा गणपति का मैं करती हूँ, जितना भी डेकोरेशन है वो मैं अकेले करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने भाभी को भी लगाया तो उन सब लोगों का सपोर्ट है फैमिली का। मतलब हम करवा सकते हैं लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि गणपति बाबा को हम अपने हाथ से सजाएं, जो मेरा सपना रहता है। पिंक का टच ये कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है, गणपति पे मैं 4 times पिंक पहन चुकी हूँ। मतलब पिंक हो गया, पीच हो गया, ये सारे कलर मेरे फेवरेट्स कलर हैं। और लास्ट ईयर विसर्जन में मैंने डार्क पिंक पहना था तो मैंने सोचा यार अभी इस बार भी पहन लूँगी तो गड़बड़ हो जाएगा। सच्ची बताऊँ गणपति बाबा को मैं थैंक यू बोलती हूँ। गणपति बाबा से मैंने आज तक जो भी मांगा है वो मुझे सब कुछ मिला है और अभी भी मैंने काफ़ी कुछ उनसे मांगा है जो मैं बता नहीं सकती हूँ और मुझे पता है वो मुझे देंगे। प्लान तो मेरे बहुत सारे हैं, मतलब अभी मैंने 2 हरियाणवी 2 गाने किए जो मैंने पहली बार किए हैं, वो भी रिलीज़ होने वाले हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बुलाऊँगी क्योंकि मेरी फैमिली हरियाणा से बिलोंग करती है तो मुझे लगा कि यार हरियाणवी सॉन्ग भी करना चाहिए। 2 मेरे भी पंजाबी सॉन्ग कम्प्लीट हुए हैं और अपकमिंग 1-2 प्रोजेक्ट हैं मेरे जो भी नेक्स्ट मंथ में शूटिंग स्टार्ट होने वाली हैं, तो बस आपको बताऊंगी। और आगे का सपना तो देखिए, पहले तो बड़े स्टार बन जाएं उसके बाद में देखेंगे। एक्चुअल में कुछ प्लानिंग नहीं था, वो ऑटोमेटिक जैसे जैसे माइंड में आता गया वैसे वैसे हम लोग करते गए। और आप प्लानिंग करके करते हो तो नहीं हो पाता है, और आप अचानक कुछ भी करो तो बप्पा सब कुछ अच्छा ही करते हैं। बस यही चाहूँगी कि बप्पा का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, मुझ पे, मेरे दोस्तों पे, और नेक्स्ट ईयर हम और भी अच्छे से धूमधाम से मनाएं। मैं 2 साल से आपको बताइए लॉकडाउन में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, मुझे मेरा अंधेरी का घर छोड़ना पड़ा और बैक टू मैं अपने फैमिली हाउस शिफ्ट हो गई। तो 2 साल से मैं फैमिली हाउस हूँ, तो फैमिली हाउस में सब लोग नहीं आ पाते हैं, अंधेरी से मीरा रोड आना सबके लिए बड़ा तकलीफ़ होता है। फिर भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हैं तो उनको तहे दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ कि वो स्पेशल टाइम निकाल के पप्पा की ब्लेसिंग लेने आए हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को। दोस्तों बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्यार से रहिए, प्यार बांटिए, और ये दुनिया बहुत छोटी सी है, कब कहाँ किसको क्या हो जाए आपको भी पता है कि इस प्रॉब्लम्स में लॉकडाउन में लास्ट 2 ईयर्स में हमने कितने अपने कीमती दोस्तों को खो दिया है हमने। आज भी मुझे फेथ नहीं होता है, मेरे इतने सारे दोस्त चले गए हैं हमारी लाइफ से, जो यंग एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं लगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग प्यार से रहिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए और प्यार बांटिए बस। थैंक यू सो मच, और आपको भी। और सबसे पहले तो मैं आज तक को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल के आए। स्पेशल थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड अमित त्यागी जी, थैंक यू सो मच। मुंबई शहर में पूरे देश से लोग एक साथ रहते हैं और पप्पा आकर हर साल पूरे शहर को एक नए रंग में रंग देते हैं। गणपति पप्पा के इस त्यौहार में ऐसा ही देखने को मिला और पम्मी के घर के पप्पा और उनके विसर्जन की छटा भी कुछ ऐसी ही थी, जो लेकर आया सिर्फ और सिर्फ सास बहु और बेटियां। ब्यूरो रिपोर्ट।